चलिए दोस्तों, आज हम लोग फेरोडायनामिक टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि फ्रिक्वेंसी मीटर होता क्या है। फ्रिक्वेंसी मीटर होता है कि फ्रिक्वेंसी को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वही फ्रिक्वेंसी मीटर कहलाता है। अब यहाँ पे बात करी जा रहा है कि फेरोडायनामिक। फेरोडायनामिक मतलब इसे समझ लीजिए, फेरो मतलब आयरन और डायनामिक मतलब आयरन में मूव करने वाला काम, यानी कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आयरन के रोड में मूव करके फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है, ठीक है। तो वही इंस्ट्रूमेंट वो कहलाते हैं फेरोडायनामिक टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी वही होता है कि एक सेकेंड में जो भी सिग्नल है वो कितना ऑक्सीलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है, वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर 50 हर्ट्ज है तो समझिए कि एक सेकेंड में वो 50 बार ऑक्सीलेट किया है। अगर 60 हर्ट्ज है तो एक सेकेंड में वो 60 बार ऑक्सीलेट किया है। तो इसी को हम लोग को मेज़र करने के लिए ये फ्रीक्वेंसी मीटर इंस्ट्रूमेंट को डिस्कवर किया गया है, जो कि पता लगाता है कि आपका फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है कि 60 हर्ट्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं फेरोडायनेमिक का। तो फेरोडायनेमिक में बता दिया कि आयरन के रोड में वह मूव करता है, इसलिए इसको फेरोडायनेमिक बताते हैं। तो चलिए मैं आज हम लोग इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके हम लोग जान लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है। ये कंस्ट्रक्शन देखते कि इसका बनावट किस तरह का होता है फ्रीक्वेंसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये आयरन का रड होता है। क्या होता है? आयरन का रड बोलिए, कोर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आयरन का कोर होता है। इसका शेप देखिए कि इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है, इधर का कम होता है, मतलब एक वेरिएबल होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कॉइल जो होता है उसी को हम लोग रोटेट कर मतलब उंड करवा के रखे रहते हैं और इसको सप्लाई के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम लोग एफ कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका मूविंग कॉइल लगा हुआ रहता है। चलिए ये मूविंग कॉइल हम लोग मान लिए, ये मूविंग कॉइल है। यहाँ पे आपका ये पॉइंटर लगा हुआ है, ये पॉइंटर है, ये स्केल रहा आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए मूविंग कॉइल को हम लोग कैपेसिटर के साथ, ये कैपेसिटर हो गया, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पैरेलली कनेक्ट कर दिए और फिक्स कॉइल को हम लोग सप्लाई के साथ जो फ्रीक्वेंसी या नॉन फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग मेजर करना है उसके साथ हम लोग कनेक्ट किए। अब यहाँ स्केल ये समझिए सेंटर में आपका 50 हर्ट्ज है, ठीक है, और इधर राइट साइड बढ़ते जा रहा है 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, जैसे बढ़ते जा रहा है, मतलब हाइयर फ्रीक्वेंसी एक तरह का समझिए, हाइयर फ्रीक्वेंसी है, और लेफ्ट साइड में घटते जा रहा है, मतलब 40 हर्ट्ज, ठीक है, 30 हर्ट्ज, यानी कि लोअर फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ है। अब ये काम किस तरह का करता है ये चीज़ हम लोग को जानना है, ठीक है। तो इसका आप तो कंस्ट्रक्शन समझ गए कि एक आयरन का रड है, उस पर फिक्स्ड कॉइल रोटेट मतलब फिक्स्ड कॉइल उसमें ओंड किया हुआ है, बंधा हुआ है, वह सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड है, मतलब जो क्या नॉन फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग मेजर करना है उसे खैर कनेक्टेड है, और यहाँ पे मूविंग कॉइल है जो कि इसमें मूव करता है, ठीक है, मतलब ये अपना मूव करता है, मतलब इस तरह का इसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे इस तरह से मूव करेगा, ये भी आपका स्पिंडल के साथ मूव किया, जब ऐसे मूव करेगा तो ये इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा तो ये स्पिंडल इधर मूव करेगा, और ये जो मूविंग कॉइल है उसको हम लोग कैपेसिटर के साथ हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं। ये चीज़ हमारा इसका कंस्ट्रक्शन में है, हम लोग देख रहे हैं। अब चलिए हम लोग इसका बात करते हैं कि ये वर्क किस तरह से करता है। कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? एफ फिक्स कॉइल है मान लेते हैं, ठीक है, ये एम जो है वह मूविंग कॉइल है, ठीक है, जो कि
मतलब मूव किए जॉलो बेयरिंग के द्वारा हम लोग इसको कनेक्ट कर चुके हैं स्पेंडल के साथ। आयरन कोर है इसमें, ये इसका मेन काम हम लोग दे दिए। देखिए फिक्स्ड कॉइल को हम लोग किसके साथ कनेक्ट किए हैं, अननोन फ्रिक्वेंसी के साथ, मूविंग कॉइल को कैपेसिटर के साथ, ठीक है। अननोन फ्रिक्वेंसी पैरेलली कनेक्ट किए हैं दोनों को, फिक्स्ड कॉइल को अननोन फ्रिक्वेंसी के साथ पैरेलली, मूविंग कॉइल को अननोन कैपेसिटर के साथ पैरेलली। अब क्या होगा, अननोन फ्रिक्वेंसी का वैल्यू ये मेजर करेगा, तो किससे मेजर करेगा, अब इसका हम लोग इसका जान लेते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल वर्किंग है, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं। तो ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कंडीशन पे काम करता है ये फ्रिक्वेंसी। कहने का मतलब कि जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज़ है, 50 हर्ट्ज़ से कम का वैल्यू भी आ सकता है, 50 हर्ट्ज़ का ज़्यादा भी वैल्यू आ सकता है, या 50 हर्ट्ज़ के भी वैल्यू पर आ सकता है, यानी कि ये डिपेंड करता है, यानी रेजोनेंस पर ही काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कंडीशन पे फ्रिक्वेंसी इसका वेरी करता है, समझे। इसका मतलब प्रिंसिपल जो बोला जाता है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कंडीशन पे फ्रिक्वेंसी वेरी करने वाला इसका प्रिंसिपल होता है। अब मैं बात करूं तो ये ध्यान दीजिए कि जब फ्रिक्वेंसी, जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पे हम लोग है मान के चलिए ज़्यादा रहे हायर है, तो ये किस तरह का मेजर करेगा। जब सप्लाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहे तो समझ लीजिए, जब सप्लाई फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पे जाने के बाद इस कंडीशन में यहाँ पे जो रिएक्टेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वह रिएक्टेंस इस कैपेसिटेंस से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी होने के कारण, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब फ्लक्स इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, ये सब इंड्यूस होने के कारण यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा ये मूविंग कॉइल को लेफ्ट की तरफ मूव करवाएगा, मतलब ये इस तरह से यहाँ धक्का देगा तो ये इधर मूव करेगा, ठीक है। यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वह अवे फ्रॉम किसे होगा, फिक्स्ड कॉइल से, ठीक है। तो मूविंग कॉइल भी क्या होगा, मूविंग कॉइल जो है वह मूव करेगा किधर की ओर, मूव टुवार्ड्स, मूविंग कॉइल किधर मूव करेगा, मूविंग कॉइल है वह मूव करेगा टुवार्ड्स देखिए जैसे तरह मैं बताया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है अवे फ्रॉम द फिक्स कॉइल या अवे फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। तो मूविंग कॉइल है तो मूविंग कॉइल आपका ये अवे फ्रॉम दी ये मूव करेगा अवे फ्रॉम दी मैग्नेटाइजिंग कॉइल, या इसी को बोल सकते हैं फिक्स्ड कॉइल, फिक्स्ड कॉइल से अवे मूव करेगा। तब इस कंडीशन में जब मूव करेगा तो क्या होगा, देन पॉइंटर क्या होगा, शो करेगा डिफ्लेक्शन पॉइंटर शो डिफ्लेक्शन हायर फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, हाई फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू है उधर की ओर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये तो कंडीशन आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए दूसरा कंडीशन का हम लोग बात करें तो जब हम लोग ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला जितना वैल्यू हम बोले थे उसके अनुसार ये इस तरह का काम किया। अगर मान लीजिए दूसरा कंडीशन होता, अगर फ्रिक्वेंसी कम रहा था, जब सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ से कम रहे या कुछ भी कम रहे, ठीक है, यानी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से कम रहे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये हो जाएगा तो इस कंडीशन में आपका एक्सी जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा एक्सएल से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा कि इस कंडीशन में
इस कंडीशन में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वह टुवार्ड्स मूव करेगा, टुवार्ड्स द फिक्स कॉइल, यानी फिक्स कॉइल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। एंड जो यहाँ पे देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, फिक्स कॉइल की तरफ मूव करेगा, और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो फिक्स कॉइल होगा मतलब मूविंग कॉइल जो होगा, फिक्स कॉइल कर रहे हैं, मूविंग कॉइल जो होगा वह भी आपका फिक्स कॉइल की तरफ मूव करेगा, मूव टुवार्ड्स द फिक्स कॉइल, ठीक है। जब इस तरफ मूव करेगा तो क्या होगा कि जो सॉरी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कि मूविंग कॉइल जो है वह मूव करेगा आपका फिक्स कॉइल की तरफ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पॉइंटर आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा और वह लोअर वैल्यू के फ्रीक्वेंसी का, लोअर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है उधर की ओर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस तरह से हमारा वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ये हमारा सिंपली वर्किंग होता है, और ये जान लीजिए कि ये जो मीटर है फ्रीक्वेंसी मीटर, फ्रीक्वेंसी के वेरी होने के कारण, ठीक है, ये प्रभावित नहीं होता, मतलब इससे इसमें कुछ डैमेज वेमेज नहीं होता, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, जो आपका वेवफॉर्म है वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो इतना हम लोग अब देख लिए। अब अगर मान लीजिए हम लोग एक और कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, चलिए मान लेते हैं अगर 50 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी रहेगा, मान लीजिए हम लोग 50 हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी दें, ठीक है, ये नॉर्मल फ्रिक्वेंसी होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वह टॉर्क आपका ज़ीरो प्रोड्यूस होगा, क्यों, मतलब ना जीरो होगा। इस कंडीशन में जो आपका एक्सेल होगा वह एक्सी के बराबर होगा, ना ही बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, और इसमें जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा ये आयरन के कोर में, ठीक है, इंडक्शन के कारण, तो ईएमएफ और यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये दोनों इन फेस में होंगे, ठीक है। तो इन फेस में जब होंगे मतलब ये दोनों में कोई चेंजेज होगा ही नहीं, तो क्या होगा, तो वही मैं बोलूं कि जब इन फेस में रहेगा तो इन फेस में रहने के कारण यहाँ पे मूविंग कॉइल मूव करेगा ही नहीं, ठीक है, ये स्टेबल रहेगा, तो स्टेबल रहेगा तो वह सेंटर पोजीशन में रहेगा, जब स्टेबल रहेगा तो यहाँ पे आपका जो पॉइंटर है वह पॉइंटर भी स्टेबल रहेगा और वह सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा, क्या जाएगा, सेंटर पोजीशन में आ जाएगा, जिसके कारण सेंटर का जो वैल्यू आपका फ्रिक्वेंसी का 50 हर्ट्ज वो आपका शो करने लगेगा। तो इस तरह से 50 हर्ट्ज का भी वैल्यू हम लोग मेजर करेंगे। इस कंडीशन में टॉर्क आपका जीरो हो जाएगा। टॉर्क क्यों जीरो होगा, तो जब इन फेस में रहेगा यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ एंड जो करंट है वो, तो इसका जो फेजर डायग्राम हम लोग बनाना चाहें तो देखिए इस तरह का फेजर डायग्राम बनेगा। ये आपका हम लोग करंट देते हैं, यहीं पर आपका फ्लक्स है जो कि एक ही फेस में जा रहा है, ठीक है, एक ही फ्लक्स में रहता है कि करंट जब देने से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो यही मैं बताया कि फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वह से एक फेस में होने के कारण यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ई, ठीक है, और करंट, ये दोनों एक ही फेस में होंगे और ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा वह 90 डिग्री के बराबर होगा। तो जब 90 डिग्री के बराबर होगा तो हम लोग जो टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं टी बराबर क्या जानते हैं, आई इंटू स्मॉल आई इंटू कोस
90 डिग्री। देखिए टी का वैल्यू होता है भी इंटू आई होगा, भी इंटू आई कोस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे जान लीजिए कि जो भी है वह एक फेस में, इसलिए हम लोग आई ले लिए हैं इसी को, और 90 डिग्री कोस 90 डिग्री वैल्यू जीरो हो जाता है, इसलिए टी का वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि जब हम लोग सप्लाई फ्रिक्वेंसी कम देंगे, यानी कि नॉर्मल वैल्यू से हम लोग कम देंगे, 50 हर्ट्ज़ से कम का फ्रिक्वेंसी हम लोग अपल देंगे सप्लाई में, तब क्या ऑपरेट होगा वो जान लीजिए। 50 हर्ट्ज़ से कम का फ्रिक्वेंसी जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये आई करंट यहाँ पे जो हम लोग सप्लाई दिए, ठीक है, ओ लेग करेगा, लेगिंग बिहाइंड ईएमएफ ई के से, ठीक है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे कॉइल पे, उससे लेगिंग बिहाइंड करेगा। तो लेग बिहाइंड करने के कारण जो हम बता चुके जो कि वर्किंग हो रहा है इस तरह में आपका फ्रिक्वेंसी कम वाला में, ये तो हम बता चुके हैं कि क्या चीज़ हो रहा है। जब लेग बिहाइंड करेगा तो इस कंडीशन में जो टॉर्क होगा वो टॉर्क क्या होगा वो जान लीजिए। टॉर्क होगा तो यानी वी इंटू आई इंटू कोस फाइव होता है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आई लेंगे, आई इंटू स्मॉल आई कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग कोस थीटा लेंगे वह लेग करने के लिए बोला है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आई कोस 90 प्लस थीटा, मतलब थीटा वन मान लेते हैं इस कंडीशन, मतलब लेग बोल रहा है जब करने के लिए। तो ये हो गया आपका आई और ये फाई है, तो ये तो हमारा 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। जब ये लेग कर रहा है तो यहाँ पे ये आपका आई का इक्वेशन है जो ई है वह लेग कर जा रहा है इतना, ठीक है, मतलब थीटा वन एंगल इतना लेग कर रहा है ई। तो ये पूरा एंगल आपका क्या हो जाएगा, पूरा एंगल यहाँ से 90 प्लस थीटा होगा, थीटा वन। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखें, जब कोस 90 प्लस थीटा वन होगा तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता, यानी कि टॉर्क का जो वैल्यू होगा आई स्मॉल आई कोस मतलब साइन थीटा वन, ये चीज़ आ जाएगा, समझे, ये आपका काम होगा। अगर उसी तरह हम लोग बात करें कि जब फ्रिक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज से ज़्यादा का फ्रिक्वेंसी, जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी यहाँ सप्लाई फ्रिक्वेंसी हम लोग लिए हैं वह 50 हर्ट्ज से ज़्यादा रहे, तब क्या होगा कि जो करंट है वह लीड करेगा ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उससे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन होगा टी बराबर आई इंटू आई कोस सिंपली, ये तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन होता है, लेकिन जब लीड करने का बात किया गया है तो लीड में क्या होगा कि ये फाई है, ये आई हो गया आपका, यहाँ पे ये आई हो गया, लेकिन जो ई होगा ये इसके अंदर में होगा, यानी कि ये आपका फाई वन एंगल होगा और ये पूरा 90 डिग्री, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हम लोग आई इंटू आई लेंगे ये कोस 90 माइनस फाइव वन होगा, ठीक है, यानी कि ये टी आई इंटू आई साइन फाइव वन होगा, इसमें ये पॉजिटिव होगा। तो ये हम लोग देख लिए कि इसमें टॉर्क का भी क्वेश्चन हम लोग देख लिए कि ये टॉर्क किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और ये किस तरह से ये वैल्यू को मेजरमेंट कर रहा है। तो आई होप आपको ये आपको अच्छा ही लगा होगा, इससे रिलेटेड मैं कुछ कंसेप्ट और भी ऐड करूँगा, बस दूसरे वीडियो में, आप लगे रहिए, थैंक यू।